हाय, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हैमिल्टोनियन पाथ एंड साइकिल। तो अगर आपको कोई ग्राफ गिवन है, फॉर एग्जांपल ये कोई ग्राफ है, ठीक है, और इसमें ये वर्टिसेस हैं। अगर आप इसमें कोई एक ऐसा पाथ फाइंड करें जिससे हर एक वर्टेक्स को एग्जैक्टली वन टाइम आप जो है ट्रैवर्स करें, ठीक है, तो वो पाथ आपका हैमिल्टोनियन पाथ हो जाएगा। जैसे इसी पाथ में अगर हम देखें ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ठीक है, तो हर एक वर्टेक्स को हमने ट्रैवर्स कर लिया। अगर हमने ए टू बी, फिर बी टू सी और सी टू डी ट्रैवर्स किया, तो ये आपका इस ग्राफ के लिए हैमिल्टोनियन पाथ है। अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, मान लो ये ए है, ये बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है। अब इसमें आपको हैमिल्टोनियन पाथ फाइंड करना है। तो यहाँ से स्टार्ट कर लें अगर हम, तो यहाँ से यहाँ गए, मतलब ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ई। तो हमने ये जब यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स किया, तो ये आपका हैमिल्टोनियन पाथ हो गया। यहाँ से हम फिर से नहीं कर सकते, ठीक है, हमें हर एक वर्टेक्स को एग्जैक्टली एक ही बार विजिट करना है। फिर बात आती है हैमिल्टोनियन सर्किट की, दैट इज हैमिल्टोनियन साइकिल। हैमिल्टोनियन साइकिल क्या होगा? इन केस आपका क्लोज ग्राफ है या फिर ऐसे साइकिल ग्राफ है और इसमें ए बी सी डी, तो यहां से यहां आप विजिट करें, यहां से यहां विजिट करें, यहां से यहां विजिट करें, ठीक है, और फिर से अगर आपने स्टार्टिंग पे आ गए तो वो आपका हैमिल्टोनियन साइकिल हो जाएगा, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन साइकिल और पाथ में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ईच वर्टेक्स जो है इसमें कवर हो जाता है हैमिल्टोनियन पाथ में, लेकिन जब हैमिल्टोनियन साइकिल की बात करते हैं तो आपका जो फर्स्ट वर्टेक्स है उसको हम दोबारा कवर करते हैं, तो ये आपका हैमिल्टोनियन साइकिल हो जाता है। अच्छा, कोई और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हैमिल्टोनियन पाथ और सर्किट की बात की जाए। तो ए, यहाँ पे जी है, बी और यहाँ से कनेक्टेड सी है, डी, एफ, ई, एच, तो क्या हम इसमें हैमिल्टोनियन पाथ फाइंड कर सकते हैं? देखते हैं। अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए से बी गए, बी से ई गए, एफ, फिर एच अगर हम चले गए, तब तो हमें दोबारा यहाँ बैक ट्रैक करना पड़ेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, हर एक वर्टेक्स को एक ही बार विजिट करना है। अगर यहाँ से यहाँ चले गए और तो हम ये दोनों नहीं कर पाएंगे विजिट, तो इसका मतलब इसमें आप हैमिल्टोनियन पाथ नहीं फाइंड कर सकते, तो ये आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं होगा। तो अगर आपके किसी ग्राफ में अगर आप सारे वर्टेक्स एक बार विजिट कर लेते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली वंस आप विजिट कर लेते हैं और आप सारे वर्टेक्स आपने कवर कर रखा है, तो उस पाथ को हम कहेंगे हैमिल्टोनियन पाथ। एक और थ्योरम है कि अगर कोई ग्राफ जी है और उसमें एन वर्टिसेस हैं, तो जी हैज अ हैमिल्टोनियन पाथ इफ फॉर ओनली टू वर्टिसेस यू एंड बी ऑफ जी, ये कंडीशन ट्रू हो जाए। तो जैसे ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ए बी सी आपका ग्राफ है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? n इक्वल टू 3, केवल टू वर्टिस हम ले लें u v, ठीक है, a और b हमने लिया, तो डिग्री ऑफ a क्या हो गया 2 और डिग्री ऑफ v क्या हो गया 2, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसमें आप हैमिल्टोनियन पाथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं इस, तो इसमें क्या है, टोटल वर्टिसेस n इक्वल टू 4, डिग्री ऑफ एनी टू वर्टिसेस, तो अगर हम इन दोनों की ले लें तो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्या होगा 2 प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये कंडीशन यहां पे भी ट्रू हो रही है। तो इस तरीके से हम हैमिल्टोनियन पाथ और साइकिल फाइंड कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है, अगर आपको किसी भी दो वर्टेक्स के लिए अगर ये किसी ग्राफ में ट्रू हो जाता है, तो हम कहेंगे उसमें हैमिल्टोनियन पाथ है। जैसे आप यहां ये भी सोच सकते हैं कि ठीक है, वन और ए और डी अगर हम ले लें
तो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो 1 प्लस 1 2 होगा, 2 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये तो फॉल्स हो रहा है। लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, एनी टू वर्सेस, अगर कोई भी दो वर्टेस अगर ये कंडीशन ट्रू करती है तो उसमें हैमिल्टोनियन पाथ होगा, जैसे बी और सी इसमें ट्रू कर रही है, तो इसलिए इस ग्राफ में हैमिल्टोनियन पाथ होगा। अगर इस का एग्जांपल लेते हैं तो इसमें अगर देखें टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 8 हैं, और हाईएस्ट डिग्री अगर हम देखें किसी वर्टेक्स की वो है बी ई एफ सी, तीनों चारों की डिग्री क्या है, 3। तो अगर हम बी और ई को लेते हैं तब भी हमारे पास डिग्री, मतलब डिग्री ऑफ बी प्लस डिग्री ऑफ ई, देखें तो क्या आएगा, 3 प्लस 3 विच इज 6, और 6 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। सो ये आपका क्या होगा, हैमिल्टोनियन पाथ इसमें आप नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन पाथ क्या होगा, अ पाथ दैट कंटेन्स ईच वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस, और सर्किट क्या होगा, इज अ हैमिल्टोनियन सर्किट इज अ सर्किट दैट कंटेन्स ईच वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वर्टेक्स विच इज ऑल्सो द लास्ट वर्टेक्स। ठीक है, थैंक यू।